बारिश से नदी नालों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में एक ही परिवार के 5 सदस्य फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। प्रशासनिक अमला समेत रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद थी। कोलारस के पिपरोदा गांव की घटना बताई जा रही है। बता दें, बाढ़ में एक ही परिवार के 5 सदस्य फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। तो बाढ़ में फंसे एक ही परिवार के 5 सदस्यों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। तो लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति प्रदेश के कई हिस्सों में बन चुकी है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। और एक ही परिवार के 5 सदस्य इस बाढ़ में फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। आखिर रात भर की जद्दोजहद के बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने सफलता हासिल कर ली है। और जो पूरी रात्रि का जागरण था और आंधी और तूफान के बीच में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसकी सफलता यहाँ पर मिल गई है टीम को। ये देखिए, ये आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर वो फंसे हुए थे बाढ़ में। और ये एक ये भी हैं, इनके पता हैं क्या नाम क्या है आपका? धर्मवीर। ये दोनों बच्चे आपके साथ में वहीं फंसे हुए थे? हाँ जी। कितने बजे से फंसे थे आप? वो तो रात भर हो गई और कल हो गया था। कितना कितना पानी आ गया था? वो तो बहुत आ गया था, करिया ही हो गया घर में तो। घर के अंदर मतलब, फिर उसमें से निकाल के नहीं, पक्की कोटाम करी तो उसमें भी आने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जब तक आप पहुँच गए फिर तो। देखा आपने, ये पूरा परिवार है, ये दो बच्चे हैं और इनकी पत्नी और ये उनके पिता शामिल थे वहाँ पर। कुल 5 सदस्य थे और 5 सदस्यों को यहाँ पर सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी निगरानी में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रात भर से वो यहीं पर मौजूद थे, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मन में बहुत प्रसन्नता है। कल से रात से मन बहुत दुखी था जब से खबर हुई, और बहुत आंधी और तूफान ने इस हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बाधा पहुंचाई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सारे हमारे प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, रेस्क्यू टीम का, कि उन्होंने पूरी रात यहां हवा में और पानी में खड़े रहकर 8 घंटे तक लगभग इंतज़ार किया। जब मौसम ठीक हुआ, सुबह रोशनी हो गई, तो इन बच्चों को, 5 लोगों को, इनके पिताजी, इनके दादाजी, 3 पीढ़ी 5 लोगों को मिला के थी, और सबको हम बचाने में सफल हुए। मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। भोले बाबा का सोमवार था, कल हमने प्रार्थना की थी कि बाबा सफलता मिले, और हम सब इस अभियान में सफल हुए। आगे अभी संघर्ष बहुत बाकी है। हमारे नदी के किनारे 8-10 गांव में पानी ने प्रवेश कर लिया है। अभी रेस्क्यू टीम की हमारी परीक्षा और बाकी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, भोले बाबा से, कि कहीं जनहानि ना हो, सभी को सकुशल रखें। और आपका, आपके साथियों का, मुकेश भाई, बंसल न्यूज़ का, कोलारस हलचल का विशेष आभारी हूँ कि 10 घंटे से आप भी लगातार पानी में भीगकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर रहे थे, हम लोगों को हौसला अफजाई कर रहे थे। आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे क्षेत्रीय विधायक बीरेन्द्र सिंह रघुवंशी, जो रात भर से मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की, और जहां पर उन्होंने 5 व्यक्ति जो एक ही परिवार के फंसे हुए थे बाढ़ में, उनको निकालने में सफलता हासिल की है। मैं मुकेश रघुवंशी, मेरे साथी मोहन के साथ साखनौर से।